बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के दौरान जिस तरह से करण जौहर का होस्टिंग देखा गया था, एक बायस्ड होस्टिंग, और उसी तरह से सभी फैंस भी उन्हें कहने लगे थे कि ये होस्ट एक बायस्ड होस्ट है और सिर्फ शमिता शेट्टी की अच्छाई ही उसे दिखती है। वेल, ये इन सारी बातों पर आखिरकार दिव्या अग्रवाल ने क्या कुछ बयान दिया है, आखिरकार दिव्या अग्रवाल को क्या लगता है कि सच में करण जौहर एक बायस्ड होस्ट है, वेल क्या कुछ कहा है दिव्या अग्रवाल ने अपने इंटरव्यू में, चलिए हम बताते हैं आपको पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्वस्ति आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि जैसे दिव्या अग्रवाल बाहर आ चुकी हैं बिग बॉस ओटीटी की विनर बनकर, तो उन पे सवालों की बौछार तो आ ही चुकी है, क्योंकि जब घर के बाहर सभी फैंस को ये महसूस हो रहा था कि करण जौहर एक बायस्ड होस्ट है और सिर्फ शमिता शेट्टी की तारीफ करते हैं और बाकी कंटेस्टेंट्स की क्लास लेते हैं, वेल जब दिव्या अग्रवाल से ये बात पूछी गई कि आप घर के अंदर रहकर क्या इस बात को कभी समझ पाए, क्या आपको भी लगता है कि करण जौहर एक बायस्ड होस्ट है, वेल इस बात पर दिव्या अग्रवाल ने एक ऐसी बात कह दी, आपका मन भी खुश हो जाएगा उनके थिंकिंग और उनके सोच को सुनकर। जी हाँ, दिव्या अग्रवाल ने कहा कि अगर कल के दिन मैं भी किसी शो में उनके साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिग बॉस ओटीटी में विन किया है, करण जौहर यहाँ पर होस्ट रह चुके हैं, और अगले मैं किसी शो में जाती हूँ और वहाँ पर करण जौहर ही रहे और करण जौहर अगर मेरी तारीफ में कुछ कहे, तो ऑब्वियस मेरे बारे में भी कल के दिन आप लोग कहेंगे कि ये बायस्ड करण जौहर है और ये सिर्फ दिव्या अग्रवाल की तारीफ कर रहा है। वेल, इसी तरह का अगर हम शमिता शेट्टी के साथ मान लें, तो हमारा उनका पहले से कनेक्शन था, उनका पहले से सभी कुछ वो लोग काम कर चुके हैं एक साथ, तो एक अलग ही बॉन्ड था, और उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि करण जौहर शमिता शेट्टी का पार्ट ले रहे होंगे, लेकिन मैंने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, दिव्या अग्रवाल ने इन सभी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ वो गेम पर कॉन्सेंट्रेट किया और आखिरकार गेम को किस तरह से ले जाना है, किस तरह से घुमा फिरा कर उनको अपने अकॉर्डिंग गेम को ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान यहीं पर था। साथ ही साथ दिव्या अग्रवाल ने ये भी कहा कि अगर वो इस चीज़ को एहसास कर लेते कि करण जौहर बायस्ड है और वो शमिता शेट्टी को सपोर्ट कर रहे हैं किसी तरह, तो वो शायद आज विनर नहीं बन पाती। वेल, ऐसा है दिव्या अग्रवाल का मानना कि करण जौहर या फिर बिग बॉस एक बायस्ड शो नहीं है। वेल, आपका क्या कुछ कहना है दिव्या अग्रवाल के इस बयान पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।